दोस्तों आप लोग इंस्टाग्राम को प्राइवेट नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा न्यू अपडेट के साथ आप कैसे इंस्टाग्राम को प्राइवेट कर सकते हो बिल्कुल एक मिनट में। वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। और हाँ गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट कर सकते हो। काफ़ी सारी वीडियो आप देख लेते हो लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है। यहाँ पे आप जैसे ही प्राइवेट करना यहाँ पे प्राइवेट करने के लिए जाते हो तो आपके सामने कुछ एरर ओपन हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगा आप कैसे आप अपने अकाउंट को यहाँ पे प्राइवेट कर सकते हो ईजिली, न्यू ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल वाले आइकन पर आ जाना है। जो भी अकाउंट है आपका प्राइवेट करना चाहते हो उस अकाउंट को यहाँ पे ओपन कर लेना है और प्रोफाइल पर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में आपको एक थ्री लाइन मिल जाएगा, आपको सिंपली वहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद एक ऊपर मिल जाएगा सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है, तो आपको काफ़ी सारा लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको स्क्रॉल करके एक बार नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो अकाउंट प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपको यहीं पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हो आपको यहाँ पे एक इनेबल करने का ऑप्शन आ जाता है प्राइवेट अकाउंट करने के लिए। तो आप यहाँ पे जैसे ही इनेबल करने जाते हो तो आपके सामने एक एरर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिल गया है, बिजनेस अकाउंट्स कैंट बी प्राइवेट, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक योर अकाउंट प्राइवेट फर्स्ट स्विच बैक टू ए पर्सनल अकाउंट, यानी कि भाई आपका एक कहना है, मतलब इंस्टाग्राम की तरफ से कहना है कि आपको स्विच करना है अपने अकाउंट को पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। जैसे आपका पहले अकाउंट था पर्सनल अकाउंट, बस वैसे ही स्विच टू पर्सनल अकाउंट कर लेना है, उसके बाद आपका ये अकाउंट प्राइवेट हो जाने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं एक बार और क्लिक करता हूँ फिर भी यही एरर आ रहा है। तो दोस्तों आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बैक आ जाना है, यहाँ पे फिर से थ्री लाइन पर क्लिक करना है, फिर से यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी पे आना है। यहाँ पे आने के बाद गाइज आपको नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा क्रिएटर, यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है गाइज। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ पे काफ़ी सारा लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्विच अकाउंट टाइप, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हो दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, स्विच टू बिजनेस अकाउंट, स्विच टू पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो आपका बिजनेस अकाउंट तो पहले था भाई, इसलिए आपका यहाँ पे नहीं हो पाया है प्राइवेट अकाउंट। तो आपको नीचे वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा स्विच टू पर्सनल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हो आपका अकाउंट यहाँ पर कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि रेड कलर में आपको जो ऊपर दिख रहा है स्विच टू पर्सनल अकाउंट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हो गाइज आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे स्विच टू पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो गया होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। पहले यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड था, बट आप यहाँ से देख सकते हो मैंने यहाँ पे हटा दिया है। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा यहाँ पे थ्री लाइन पर क्लिक करके प्राइवेट अकाउंट करने के लिए, तो हमारा अकाउंट प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ओके का ऑप्शन आ जाएगा, ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट प्राइवेट हो जाएगा 110%। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे प्रोफाइल पर आकर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा अकाउंट कुछ इस तरह से प्राइवेट हो चुका है, यहाँ पे ताला लग चुका है यानी कि लॉक हो चुका है, ठीक है। तो गाइज आप भी कुछ इस तरह से प्रोफाइल को लॉक कर सकते हो, इजी ट्रिक मैं बताया हूँ आपको। जैसे आप फेसबुक में प्रोफाइल को लॉक कर देते हो, कोई भी बंदा आपकी प्रोफाइल नहीं चेकआउट कर पाता है, तो आप भी इस तरह से अपनी अकाउंट को लॉक कर सकते हो। आई होप गाइज आपको वीडियो जरूर समझ में आएगा। अगर आपकी इस वीडियो से कोई भी हेल्प हुआ तो हमारे चैनल को जरूर सब